कितना ही प्यारा है, और मतलब सच में ऐसा ऊन जैसा लग रहा है, मतलब ये इसी इसकी पहचान ऐसी होती है। ये कर्ली वाल होने चाहिए। ओके, ये कर्ली वाल होते हैं। और ये कितने डेज के पपी हैं अभी? ये भी आगे 44 डेज के पपी। ये देखो किस, ये किस करना चाह रही है, कर दो कर दो। ये देखो इसका नाम क्या था सर, मैं फिर से बोलूं, इतना अमीर हो वाला नाम है, ये देख सकते हो इंग्लैंड और रशिया की ये ब्रीड है। ये देखो यहाँ पे इम्पोर्ट होते हैं डायरेक्ट। अगर कॉफी का कप होगा तो उसके अंदर आराम से बैठ जाऊंगा। ये व्हाइट हस्की है। ओके, ये व्हाइट सावेरिनस की उल्ली कोट में है। हाँ जी, हाँ जी। देखो आप इसके बाल देखो, ये देखो हेयर देखो आप इसके, बहुत ही प्यारा है। आईज देखो यार इसकी कितनी प्यारी है। व्हाट इज अप एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के? तो गाइस मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक प्यारी प्यारी सी डॉग ब्रीड लेके। देखो आप लोगों का काफ़ी कमेंट आ रहा था कि एक्सोटिक डॉग ब्रीड दिखाओ, तो हम आ चुके हैं अपने नेगी भाई के पास। नेगी भैया कैसे हो? सब ठीक ठाक भी, कैसे ओके हाँ? तो आज की हम वीडियो में कौन कौन सी ब्रीड कवर करने वाले हैं, मेनली मुझे आप ये बता सकते पहले? मेरे पास है कैवलियर किंग चार्ल्स स्पैनियल, ओके, एंड टॉय पूडल, ओके, और दूसरी है टॉय पॉम। टॉय पॉम, ओके। ये ऐसी डॉग ब्रीड्स है ना जो मतलब ज़्यादा लोग दिल्ली में कवर नहीं करी है लोगों ने। ये देखो कितने प्यारे प्यारे से बच्चे हैं। ये देखो ये देखो ये देखो, ये कौन सी ब्रीड है वैसे सर? टॉय पॉम ब्रीड है। ओके सर, इसमें और भी कोई कलर मतलब कलर में आते हैं? इसमें ऑरेंज कलर भी आता है, गोल्डन टाइप का। हाँ जी, वो भी आते हैं, ब्लैक में भी आते हैं। ओके, लेकिन ज्यादातर अधिकतर के डिमांड होती है व्हाइट, लेकिन व्हाइट होता है रेयर, लोगों के पास होता नहीं इतना। ओके, रेयर रेयर डॉग ब्रीड होती है। ये डॉग ब्रीड आप देखो, ये एक कप के अंदर आ जाएगा। हाँ जी, ये देखो। ओके, अगर कॉफी का कप होगा तो उसके अंदर आराम से बैठ जाओ आप देखो। ओ भाई कितना ही छोटा है। वैसे इनकी जजिंग वगैरह कैसी होती है इस ब्रीड की? जी, जजिंग वगैरह कैसे होती है, कैसे लोग पहचानते हैं इस ब्रीड को? जितना छोटा उतना अच्छा होता है, ओरिजिनल। और इसका फेस होना चाहिए नुकीला। ओके ओके, देखो इसका फेस बिल्कुल नुकीला है। ये ओरिजिनल टॉय फॉर्म है, कान छोटे होने चाहिए। ओके, मतलब ये जो इसके साथ डॉग है ये एडल्ट साइज है? ये साइबेरियन हस्की है। ओके, ये हस्की है, इसमें अलग अलग व्हाइट हस्की है। ओके, ये व्हाइट सावेरिनस की उल्ली कोट में है। हाँ जी, हाँ जी। देखो आप इसके बाल देखो, ये देखो हेयर देखो आप इसके ना, बहुत ही प्यारा है। आईज देखो यार इसकी कितनी प्यारी है, बहुत ही बढ़िया। बाकी आपके पास हस्की वगैरह भी मिल जाते हैं? हाँ, सारा कुछ मिल जाता है। ओके, लेकिन अपने पास मिलती है तो क्वालिटी वाइज। ओके, मतलब ब्रीड जो भी होगी एग्जॉटिक ब्रीड होगी, क्वालिटी वाइज क्वालिटी होगी। ओके, अगर किसी को ये ब्रीड लेनी है, मतलब इनकी हाइट कितनी जाती है सर वैसे? ये 10 इंच के बाद 10 इंच के भी निकलेंगे। देखो 10 इंच के बाद ये 10 इंच के जाएगा। ओके, इससे ऊपर नहीं जाएगा? ना, ये उससे ऊपर नहीं जाएंगे। मतलब अगर इसकी एज की बात करूं तो सर इसकी 2 मंथ प्लस का बेबी है। ये 2 मंथ प्लस का है? 2 मंथ प्लस है, वैक्सीन लगी हुई है इस पे 2। ओके, ये देखो बहुत ही प्यारा है यार। एक कप के अंदर, कॉफी के कप के अंदर बैठा दो। ठीक है ठीक है, अब बात करते हैं। हमारे पास ना एक और बहुत एक्सोटिक डॉग ब्रीड है, अगर इसकी बात ये करें। बता रहे हैं उन बच्चों के, ये बच्चे भी हमारे पास इनके पपीज हैं। ओके, इस ब्रीड का नाम क्या है? ये जो ये है किंग चार्ल्स स्पैनियल। ओके ओके, ये देखो भाई कितनी प्यारी है, मतलब सबसे अलग ही डॉग ब्रीड लग रही है ये, शायद मैं फर्स्ट टाइम कवर कर रहा हूँ। और वैसे ये कहाँ की ब्रीड है सर? रशिया की है ये। ओके, रशिया से मंगाए गए हैं। ओके, अगर किसी को इसको पपीज वगैरह चाहिए तो ये मिलेंगे, हमारे पपीज हैं। ओके, तो देखो हमने ये 2-3 ब्रीड्स कवर कर दिए। अब बात करता हूँ मैं, ये सारी ब्रीड्स को आपको मिल ही जाएंगी सर के पास। ठीक है, हम बात करें वो वाली डॉग ब्रीड दिखाएं सर। हाँ, वो ये भी आप देख सकते हैं, न्यूबॉर्न बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी है। ओके, ये टॉय पूडल है। देखो ये देखो, मतलब हर कोई इसे वीडियो में कवर नहीं करता, ये बहुत छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से पपी हैं। ये 2-3 डेज ओल्ड है। ओके, अगर इस डॉग ब्रीड की बात करें तो सर ये ब्रीड कहाँ से आई है? ये चाइना इम्पोर्ट है, सारे चाइना इम्पोर्ट है। ये देखो, इसे बोलते हैं पुडल। हाँ, टॉय पुडल है, बहुत छोटे छोटे से बच्चे हैं। मैं सोचा आपको दिखा देता हूँ पुडल के पपीज, जो कितने ही प्यारे हैं। ये देखो छोटे छोटे पपीज। तो पुडल्स वगैरह भी आपके पास होते हैं? मतलब मेरे पास और बड़े बेबी है, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। ओके, तो चांस की बेबी दिखाता हूँ मैं आपको अभी। ओके, तो इसके प्यारे प्यारे पपी दिखाते हैं अभी हम आपको। वैसे ये तो काटती तो नहीं है ना? ना, ये बिल्कुल फ्रेंडली होते हैं, ना पता चले डस ले। ना, ये फ्रेंडली डॉग होते हैं। इसके पपी दिखाता हूँ, ये अब तक की एग्जॉटिक ब्रीड मैंने कवर करी है। और ये देखो कितने प्यारे प्यारे से पपी हैं भैया। इनकी एज की बात करें तो इस पपी की एज क्या होगी? 2 मंथ प्लस है। ओके, 2 मंथ प्लस है। ओके, किंग चार्ल्स स्पैनियल, कैवलियर किंग चार्ल्स स्पैनियल। ओके, वैसे इनको एसी वगैरह तो मस्त होता होगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इतना कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बहुत रॉयल फैमिली डॉग है। ओके, रॉयल फैमिली, रिच लोगों के लिए। रिच लोगों के लिए, रॉयल फैमिली, जो जिनके पास भी होगा तो वो देखेंगे यार कुछ फैमिली है। ये नाम ही ऐसा अमीरों वाला नाम है। ओके, बाकी ब्रीड देखो। वैसे इनकी अगर डाइटिंग की बात करें तो, अगर ये जो ब्रीड है, आप एक बार हाथ में पकड़ लीजिए, इनको दिखाते हैं, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर दिखाते हैं लोगों को अपनी फैमिली। ये देखो भाई,
वैसे इनमें कलर तो मेरे को लगता है कोई वैसा कलर एक, तो ये एक कलर और आता है वो रेड कलर में। ओके ओके ओके, तो रूबी कलर बोलते हैं। ओके, तो इनका प्राइस बहुत एक्सपेंसिव होता है, बट अगर इनकी डाइटिंग की बात करें तो सर क्या क्या मस्त होता है? और डॉग ब्रीड्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ओके, ये भी बहुत प्यारी डॉग ब्रीड है यार, ये देखो कलर ये आता है। हाँ जी, ये देखो। ओके, ये भी एक कलर है जो कि बहुत सही है यार, ये देखो। इसमें दो फीमेल थी, दोनों ये देखो। इनको जजिंग के लिए क्या करते हैं सर, अगर किसी को जज करना हो कि एक अच्छा डॉग ब्रीड है? और इसमें क्या होता है, जितनी एक्सोटिक डॉग ब्रीड होती है ना, उनको थोड़ा सा पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है। देखो एक्चुअली में क्या आज के डेट में ना समय पे, देखो मैं कुछ बोलूं, सबसे अच्छा आप गूगल पे जाइए। हाँ, गूगल पे सब गूगल पे वेरीफाई हो जाता है कि okay. भाई डॉग ओरिजिनल है। बाकी गाइस आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि यार कितना डिफरेंस है इसकी। ये दोनों फीमेल है, ये ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। ओके ओके, मतलब ऑलरेडी सर का काम अभी चल रहा है, तो मतलब डॉग्स वगैरह आते रहते हैं जाते रहे, मतलब ये दिल्ली के अंदर ना बहुत कम बंदे हैं जो एक्सोटिक में डील वगैरह करते हैं, डॉग रखते हैं। ये मदर है, देखो अभी भी मदर तो मस्त खेल रही है, ये देखो आराम से। ये इसी के सारे बच्चे हैं, नहीं दो मेल ऑलरेडी सेल्ड हो गया, दो फीमेल ऑलरेडी बुक है। ओके, अगर किसी को चाहिए होगा ना फिर भी तो मिल जाएगा। हाँ, दो मेल मेरे पास अवेलेबल है अभी। ओके, ये देखो, ये देखो, एक मेल ये है का। हाँ जी, ये अवेलेबल है। ओके, ये बहुत प्यारा डॉग है, छोटा किंग। हाँ जी, ये किंग है, किंग किंग छोटा किंग है, ये है किंग, ये है अभी किंग, मतलब जब तक छोटे रहते होंगे सरलेग वगैरह चलता होगा इनका। हाँ, अभी सरलेग, और ये छोटे वैक्सीन इन पे ऑलरेडी डन है, दो चुकी हैं। तो गाइस अब भी आ चुकी है टॉय पुडल जो कलर। ओके, जो कि कलर भी एकदम तो रेयर सा लग रहा है सच में। ये कलर में रेयर है ना सर वैसे? हाँ, रेयर कलर है, एप्रिकोट कलर, क्योंकि मैंने इतनी डॉग ब्रीड्स कवर करी हैं, बट ये ना बहुत अलग कलर लग रहा है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ इसे पास से। ये देखो गाइस कितना ही प्यारा है, और मतलब सच में ऐसा ऊन जैसा लग रहा है, मतलब ये इसी इसकी पहचान ऐसी होती है। हाँ, ये करली वाल होने चाहिए। ओके, ये करली वाल होते हैं। और ये कितने डेज के पपी हैं अभी? ये भी आगे 44 डेज के पपी हैं, 44 डेज के, जो बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये देखो इनकी डाइटिंग वगैरह क्या होती है सर? सेम डाइट होती है, कोई आपको जब तक ये छोटे वगैरह होते हैं आपको सर लेग वगैरह टाइम टू टाइम देना पड़ता है, थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है बस इनकी जब तक ये छोटे होते हैं, क्योंकि इनको इस टाइम पे ज्यादा केयर की जरूरत होती है। चाइना की, देखो ये भी चाइना की ब्रीड है, और ये देखो कितनी सुपर्ब लग रही है। वैसे मतलब इनकी डाइटिंग वगैरह सेम होती है, बस इनको केयरिंग के लिए क्या होता है कि इनको एसी तो जरूरी होता है सर? इनके लिए एसी नहीं है, मतलब मैंने कुछ लोगों में ऐसे मिथ वगैरह भी सुना है, काफी लोग बोलते हैं कि इस ब्रीड के लिए मतलब एसी मस्ट है, क्योंकि इनके इतने सारे बाल होते हैं, तो वो देखो ढालने के ऊपर है, एसी के अंदर डालोगे तो जैसे इंसानों का है वैसे इन डॉग्स का भी सेम ही सेम होता है। और ये ना बहुत सही सही डॉग्स है। वैसे इनको कैसे जज करते हैं सर? देखो इनका जज टॉय पुडल का सबसे पहले साइज, दूसरी बात है करली हेयर। ओके, करली हेयर और ये साइज, इनकी हाइट कितनी आती है सर? ये ज्यादा 12-13 इंच है, देखो ना इसके आपके सामने एक जैसे कोई, ये देखो मेरे पैरों पे भाई, ये सच में बहुत एक्टिव डॉग ब्रीड है भाई। 12-14 इंच बस, मतलब ये काफी एक्टिव डॉग ब्रीड है। एक्टिव ब्रीड है, ये भाई अभी मेरे पैर चढ़ने सारे के सारे, बहुत सही। बाकी बात करें अगर अगर किसी को चाहिए हो तो हाँ बिल्कुल मिलेगा ये सेल। और ये भी देखो बहुत एक्सोटिक डॉग ब्रीड है, मतलब ये हर किसी के पास नहीं होती, इसको बस थोड़ी सी छोटे जब तक होते हैं तब तक केयर की जरूरत होती है, और मेरे हिसाब से आपसे अच्छी केयर इसकी कोई कर भी नहीं सकता। क्यों सर? बिल्कुल जी, ये भी काफी है। इनके मदर फादर भी आपके पास ही होंगे? मदर फादर देखो, एक एक बेबी देखो, एक का वो बच्चे हो रखे हैं, आप देख रहे हो कितने पपी हैं, 4 पपीज हैं। ओके, वो कुछ ये हैं, ये देखो ये बड़े बड़े, ये देखो हाँ ये इनके मदर ऊपर है, वो लड़ाई चल रही है आपस में। बढ़िया, इनके मदर ऊपर है कैनल पे। ओके सर, इसके बाद कौन सी डॉग ब्रीड दिखाएंगे हम? अभी मेरे पास यही है, बाकी ब्रीड में चिवावा है। ओके, चिवावा जो पॉकेट डॉग बोलते हैं जिसको, वो भी है, तो वो आज की वीडियो में कवर करेंगे या फिर कभी? नहीं, वो नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो गाइस वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर। तो गाइस आज की वीडियो में हमने ये जितनी भी डॉग ब्रीड्स आपको दिखाई हैं, ये थी एक्सोटिक डॉग ब्रीड। अगर आप अपने घर में कोई पेट देख रहे हो और जो कि फैमिली के साथ रहने लायक हो, फैमिली में क्यों सर डिफरेंट हो, डिफरेंट आज के समय में क्या, अगर आप देखो तो लोग पास आज कल लोग पता है कुछ ना अलग लाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये डॉग ब्रीड ऐसी है कि आपको हर किसी पे नहीं मिलेगी, और मोस्टली ये जो ये वाली डॉग ब्रीड है, पास से दिखाओ, ये हमारी वीडियो में, ये हमारी वीडियो में फर्स्ट टाइम आ रही है, मैं इसे एक बार गोदी ले लेता हूँ। ये देखो ये डॉग ब्रीड बहुत रेयर है सच में यार। किस करना चाह रही है? कर दो कर दो कर दो
ये देखो इसका नाम क्या था सर, मैं फिर से बोलूं, किंग चार्ल्स स्पैनियल, इतना अमीरो वाला नाम है ये, देख सकते हो आप। तो इनकी भी डाइट इतनी कॉस्टली नहीं होती, बट ये ना इंपोर्ट होते हैं, और ये थोड़ी एक कहां की सर, इंग्लैंड रसिया, इंग्लैंड और रसिया की ये ब्रीड है। ये देखो यहाँ पे इम्पोर्ट होते हैं डायरेक्ट, यहाँ बिठा दो इनको, बढ़िया। और ना बहुत फ्रेंडली होते हैं ये डॉग, ये है कि अग्रेसिव नहीं होते, ना ना बहुत फ्रेंडली, बहुत ही बढ़िया। तो भाई इनके पास ना डॉग्स तो काफी सारे मिल जाएंगे, बाकी गाइस एड्रेस वगैरह मैंने डिस्क्रिप्शन वगैरह में मेंशन कर रखा है क्यों सर, बाकी कॉलिंग टाइमिंग बता दो कि कितने से कितने टाइम कर सकते हैं आपको कॉल वगैरह, कौन कौन सी भेंट मिल जाती है, सारे किसी भी समय आपको कॉल कर सकते हैं, लेकिन 10 बजे के बाद ना करें, 10 बजे के बाद सोने का टाइम, दूसरी दुनिया में होते हैं फिर। बहुत ही बढ़िया। तो गाइस नंबर वगैरह आ रखा है, उसी नंबर से कॉन्टेक्ट करना। और डॉग ब्रीड्स तो काफी सारी रखते हैं, और अगर आपको एक्जोटिक ब्रीड एक्जोटिक रखते हैं, और अगर किसी को पैक प्रोडक्ट चाहिए या कोई सामान चाहिए तो एड्रेस वगैरह मेंशन कर रखा हूँ, भैया के स्टोर वगैरह भी है क्यों सर, जी मेरा अपना शॉप भी है मेरी। ओके बहुत बढ़िया। तो गाइस दोनों काम आपके हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्यों सर, हाँ बिल्कुल। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय, पीस आउट। Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners.